नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, भाषण हो गया। लेकिन जो भाषण हुआ वो इस चुनाव में आ रही उदासीनता को चार्ज करने में टॉनिक का काम कर सकता है। अरविंद केजरीवाल के इस भाषण में आप केवल यह नहीं देखिए कि वे प्रधानमंत्री मोदी को कैसे टारगेट करते हैं, बल्कि उनके भाषणों में यह देखना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई किस तरह से देते हैं। ठीक है कि विपक्ष के नेता अपने भाषणों में प्रतिद्वंद्वी के लिए तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल किस आधार पर, किस तरह की बातों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगा रहे हैं, इस पर जब आप गौर करेंगे तो आपको कुछ अलग दिखेगा और प्रधानमंत्री मोदी, उनकी बीजेपी और आरएसएस को भी एक बार सोचना चाहिए कि भारत की राजनीति में मोदी उनके लिए कैसा इतिहास छोड़ रहे हैं, दर्ज करा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के भाषण में अगर आप मोदी को खोजेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी तानाशाह के रूप में नजर आते हैं, अपनी ही पार्टी के नेताओं को खत्म करने वाले नेता के रूप में नजर आते हैं, विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने वाले प्रधानमंत्री के रूप में नजर आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर केजरीवाल अपने भाषणों में हमेशा सावधान ही रहे हैं, कभी नाम नहीं लिया और कभी भी इस तरह से अटैक नहीं किया, तानाशाह नहीं कहा, हमेशा आदर के साथ आरोप लगाया। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल के भाषण के मोदी को देखकर आपको भारत के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं लगेगा। एक प्रधानमंत्री ने विपक्ष को यह सब कहने पर मजबूर कर दिया है। केजरीवाल ने अपनी ही बात नहीं की, विपक्ष की ही बात नहीं की, शिवराज सिंह चौहान से लेकर योगी आदित्यनाथ की भी बात की, कहा कि अब अगला नंबर योगी आदित्यनाथ का है। इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा, आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी, अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। अरविंद केजरीवाल का भाषण राजनीति से भरा तो होना ही था, लेकिन आज उनका भाषण दोधारी तलवार की तरह बीजेपी के भीतर खलबली मचा रहा था। इंडिया गठबंधन का हर नेता अलग अलग जमीन पर बीजेपी से लड़ रहा है, अलग अलग रूपकों का इस्तेमाल कर रहा है। केजरीवाल को पता है कि उनकी जमीन में बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक भी रहते हैं, इसलिए वे उनसे भी संवाद कर गए, उनको भी खबरदार कर गए और कहते हुए चले गए कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी अपने लिए नहीं, अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लड़ रहे हैं। इस बात से अमित शाह जरूर मुस्कुराएंगे, लेकिन यही केजरीवाल की स्टाइल है। वे शतरंज की बिसात पर राजनीति नहीं करते, कैरम बोर्ड पर राजनीति खेलते हैं, एक ही स्ट्राइक से कई गोटियों को टक्कर देते हैं और अपनी जगह से हिला देते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा, मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे? नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो उस पर भी आऊंगा मैं,
अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? जब आप अगर जो जो, वैसे तो मेरे को लगता है मैं भी आऊंगा उसके ऊपर, मुझे नहीं लगता इनकी सरकार बन रही है, लेकिन जो जो बीजेपी को वोट देने जाएं, वो ये सोच के जाना कि आप मोदी जी के नाम पे वोट नहीं दे रहे, आप अमित शाह के नाम पे वोट दे रहे। केजरीवाल का भाषण नई ऊर्जा से भरा था। गोदी मीडिया के सपोर्ट से राजनीति कर रही बीजेपी और उसके नेता नरेंद्र मोदी किसी को भी जेल भेजकर अपने पक्ष में माहौल बनवा लेते हैं, लेकिन लगता है इस बार गलत नेता पर हाथ डाल दिया। केजरीवाल ने कहा कि तुम जनतंत्र जेल में डालोगे तो जेल से जनतंत्र चलाएंगे। इससे पहले केजरीवाल हनुमान मंदिर गए। अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, विधायक, कार्यकर्ता हनुमान मंदिर गए। ।2014 के बाद से नरेंद्र मोदी ने धर्म की राजनीति के सहारे खुद को धर्म का चेहरा बना लिया। तभी केजरीवाल ने इस बात को समझ लिया और खुद को हनुमान भक्त घोषित कर वहीं पहुंच गए जहां किसी और नेता को देखकर नरेंद्र मोदी को अच्छा नहीं लगता है। जेल से बाहर आते ही केजरीवाल ने ऐलान कर दिया कि 11 मई को हनुमान जी के दर्शन के लिए जाएंगे। दिल्ली की राजनीति में कनॉट प्लेस का हनुमान मंदिर अब एक महत्वपूर्ण स्थान बन चुका है। इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता पार्टी के मुख्यालय पहुंचे। अरविंद केजरीवाल से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी जबरदस्त भाषण दिया। हम केजरीवाल का पूरा भाषण तो सुनाएंगे ही, लेकिन भगवंत मान ने भी जो कहा है भाषा को लेकर, जिस तरह से प्रधानमंत्री को निशाना बनाया है, उस पर गौर करना चाहिए और इस चुनाव में प्रधानमंत्री की भाषा पर जरूर बात होनी चाहिए। हिंदी में 150-150,000 लफ्ज हैं अक्षर हिंदी के, भाषाएं इधर उधर से अडॉप्ट भी करती है तो कर करा के 6.5 लाख है हिंदी के पास। हिंदी भाषा में 6.5 लाख के आसपास अक्षर हैं, लेकिन शब्द बोलते हैं। तो 6.5 लाख है हिंदी के पास शब्द, लेकिन प्रधानमंत्री के पास 10-12 है बस। वही बोलता है, वो भी इलेक्शन के समय, क्या हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान, मंगलसूत्र, गाय, भैंस, बकरी, बस खत्म। इस वीडियो में आगे आप अरविंद केजरीवाल के भाषण का बाकी हिस्सा सुनेंगे। केजरीवाल ने आज दिल्ली के चुनावी माहौल को चार्ज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट ने 21 दिन का समय दिया है, लेकिन वे एक दिन में 36 घंटे काम करेंगे और पूरे देश में घूमकर नरेंद्र मोदी की तानाशाही के बारे में बताएंगे। सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी तपती धूप के अंदर इतनी देर से इतनी बड़ी संख्या में आप लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जितने लोग इस वक्त टीवी में देख रहे हैं, उन सब दर्शकों का भी मैं
तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, सीधा जेल से मैं आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ। आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। 50 दिन के बाद अभी अभी मैं, मेरी पत्नी भगवंत मान साहब, हम लोग कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर में गए थे, हनुमान जी का आशीर्वाद लिया, उनके दर्शन किए, फिर शिव जी के मंदिर गए, शनि जी महाराज के पास गए, उनका सबका आशीर्वाद लिया। बजरंग बली की खूब कृपा है हमारे ऊपर, हमारी पार्टी के ऊपर, देशवासियों के ऊपर। उन्हीं की कृपा से आज अचानक मैं आप लोगों के बीच में, नहीं तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि चुनाव के बीच में मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा, लेकिन ऊपर बजरंग बली की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है हम लोगों के ऊपर, और चमत्कार हुआ और आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। दोस्तों, हमारी आम आदमी पार्टी एक छोटी सी पार्टी है, दो राज्यों के अंदर है, अभी 10 साल पुरानी पार्टी है। हमारी पार्टी को कुचलने में, खत्म करने में प्रधानमंत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक साथ हमारी पार्टी के 4 टॉप के नेता जेल भेज दिए एक साथ, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सतेंद्र जैन। बड़ी बड़ी पार्टियों के अगर 4 टॉप के नेता जेल चले जाएं, पार्टी खत्म हो जाती है। आम आदमी पार्टी के 4 टॉप के नेता इन्होंने जेल भेज दिया, उन्होंने सोचा कि पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये पार्टी नहीं है, ये एक सोच है। जितना ये खत्म करना चाहते हैं उतना ये बढ़ती जाती है, उतना ये बढ़ती जाती है। ये क्रश करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी आम आदमी पार्टी को। जो लोग मोदी जी से मिलने जाते हैं, वो कई लोग हमें भी जानते हैं, वो बाहर आके हमें बताते हैं कि आपके बारे में, सबसे पहले मोदी जी से जो भी मिलने जाता है, सबसे पहले वो केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की 10 से 15 मिनट बात करते हैं। उनको कहते हैं कि आने वाले समय के अंदर आम आदमी पार्टी ही देश को भविष्य देने वाली है, वो खुद भी मानते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि आज ही आम आदमी पार्टी को बढ़ने से रोका जाए, इनको कुचल दिया जाए। ये तानाशाही है। अगर उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी आने वाले समय में बीजेपी को चैलेंज देने वाली है, आप अच्छे काम करो, आप देश को भविष्य दो। आज आपकी सरकार है केंद्र के अंदर, आप देश के लिए काम करोगे, आम आदमी पार्टी को कोई पूछेगा ही नहीं। लेकिन आप कुछ काम नहीं करो और आम आदमी पार्टी को कुचल दो, ये जनतंत्र नहीं है, ये इस देश की जनता पसंद नहीं करती। इन्होंने आम आदमी पार्टी को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। छोटे से लोग हैं हम लोग, छोटी सी पार्टी है, 75 साल के अंदर इस कदर किसी पार्टी को और उसके नेताओं को प्रताड़ित नहीं किया गया जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने आम आदमी पार्टी को प्रताड़ित करने की कोशिश किया। मेरे को इन्होंने जेल भेज दिया। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। देश के सबसे बड़े चोर, उचक्के और डकैतों को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। जिन लोगों को 10 दिन पहले मोदी जी कहते थे 70,000 करोड़ का इसने घोटाला कर दिया, थोड़े दिन के बाद उसी आदमी को अपनी पार्टी में शामिल करके किसी को डिप्टी सीएम बना देते हैं, किसी को मंत्री बना देते हैं और उनके सारे ईडी और सीबीआई के मामले खत्म कर देते हैं और कहते हैं मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार से अगर लड़ाई लड़नी है तो केजरीवाल से सीखो। प्रधानमंत्री जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई केजरीवाल ने लड़ी है। 2015 में जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी,
हमारे एक मंत्री का एक ऑडियो मेरे पास किसी ने व्हाट्सएप कर दिया। उस ऑडियो में मेरा मंत्री किसी दुकान वाले से 5 लाख रुपए मांग रहा था। किसी मीडिया वाले को नहीं पता था, विपक्ष को नहीं पता था, आप लोगों को याद होगा। मैंने अपने खुद मंत्री को सीबीआई के हवाले कर दिया, जेल भेज दिया था अपने मंत्री को। ये होती है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। पंजाब के अंदर मेरा एक मंत्री भ्रष्टाचार में, मेरे को पता चला कि वो पैसे मांग रहा है। वहां पे मान साहब ने उसको, किसी को भी, विपक्ष को नहीं पता था, मीडिया को नहीं पता था, हमने अपने मंत्री को उठा के जेल में भेज दिया। तुम देश के सारे चोर उचक्के डकैतों को अपनी पार्टी में शामिल कर लो और केजरीवाल को जेल भेज दो और कहो मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। तो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहे प्रधानमंत्री जी, आप देशवासियों को बेवकूफ मत समझो। देश बच्चे बच्चे की जुबान के ऊपर हो रहा है कि सारे चोर चक्कों को अपनी पार्टी में शामिल करके और ईडी और सीबीआई के सारे केस उनके रफा दफा कर। केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया? केजरीवाल को गिरफ्तार करके उन्होंने एक मैसेज दिया है सारे देश को कि अगर मैं केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकता हूं तो किसी को भी गिरफ्तार कर सकता हूं। किसी, कोई केस नहीं होगा, कोई मामला नहीं होगा, तब भी मैं तुमको गिरफ्तार कर सकता हूं। एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, बहुत ही खतरनाक। देशवासियों को यह समझने की, अब जब मैं बोलने जा रहा हूं, समझने की जरूरत है। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं मोदी जी, और इसको दो स्तर के ऊपर इस मिशन को चला रहे हैं। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपटा देंगे, उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे, उनको सबको निपटाते जाएंगे। विपक्ष के अंदर आज इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, संजय सिंह को जेल भेज दिया, सतेंद्र जैन को जेल भेज दिया, केजरीवाल को जेल भेज दिया, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, ममता दीदी के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, स्टालिन के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, केरला के सीएम के पीछे पड़े हैं। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर, थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टालिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। यही तानाशाही है दोस्तों। वन नेशन वन लीडर ये चाहते हैं, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा। हमारा देश बहुत महान है, 4,000-5,000 साल पुराना हमारा देश है। इसके पहले पिछले 4,000 साल में कई मौके आए जब इस देश के ऊपर तानाशाहों ने कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन हमारे देश के लोगों ने उन तानाशाहों का तख्ता उखाड़ के फेंक दिया। जब जब हमारे देश में ऐसा मौका आया कि तानाशाह ने हमारे देश के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, इस देश की जनता ने उसका तख्ता उखाड़ के फेंक दिया। आज एक तानाशाह इस देश से जनतंत्र खत्म करना चाहता है, आज एक तानाशाह इस देश से लोकशाही खत्म करना चाहता है। मैं पूरे तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं उस तानाशाह के खिलाफ। 140 करोड़ लोगों का साथ चाहता हूं मैं, मेरे अकेले के करने से नहीं होगा। 140 आज मैं आप लोगों से भीख मांगने के लिए आया हूं, 140 करोड़ लोगों से, 140 करोड़ लोगों से भीख मांगने के लिए आया हूं। मेरे देश को बचा लो, मेरे भारतवर्ष को बचा लो, मेरा भारत बहुत महान है, इस तानाशाही से बचा लो मेरे दोस्त, मेरे देश को। मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उन्होंने 21 दिन दिए हैं, एक एक दिन में 24 घंटे हैं। मैं एक दिन में 24 में से 36 घंटे काम करूंगा, पूरे देश भर में घूमूंगा इस तानाशाही को रोकने के लिए। दोस्तों
जितनी मेरे अंदर ताकत है मैं मेरा सब कुछ कुर्बान है देश के लिए, मेरा तन मन धन सब कुछ कुर्बान है मेरे देश के लिए, मेरे खून का एक एक कतरा मेरे देश के लिए, मेरे शरीर का एक एक कतरा, मेरी जिंदगी का एक एक पल मेरे देश के लिए, मेरे देश को बचाने के लिए मैं पूरे देश में जाऊंगा दोस्तों। अब एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए, अब एक खुशखबरी है, सबको बता देना जो मैंने बातें कही है, बड़ी सोच समझ के कही है, वहां बैठ के यही सोच रहा था 50 दिन से। दोस्तों पूरे देश के मेरे को बाहर निकले हुए 20 घंटे हो गए, इन 20 घंटों के अंदर भी मैंने रात भर में जनता से बात कर रहा था, लोगों से फोन कर रहा था। रात को आंधी आई थी, पिछले 20 घंटे में मैंने जो बातचीत करी है, कई बड़े बड़े एक्सपर्ट से बात की, चुनाव विश्लेषकों से बात की, सेफोलॉजिस्ट से बात की, जनता से बात की, फोन पे लोगों से, मेरा अपना आकलन है कि 4 जून के बाद इनकी सरकार नहीं बन रही, मोदी सरकार नहीं बन रही। दोस्तों अगर मैं गलत हूं तो मेरे को बताना, हरियाणा में इनकी सीट कम हो रही है, राजस्थान में कम हो रही है, कर्नाटक में कम हो रही है, दिल्ली में कम हो रही है, बिहार में कम हो रही है, महाराष्ट्र में कम हो रही है, कर्नाटक में कम हो रही है, बंगाल में कम हो रही है, झारखंड में कम हो रही है, बढ़ कहां रही है, यूपी में कम हो रही है, बढ़ कहां रही है, बढ़ एक भी जगह इनकी सीटें नहीं बढ़ रही हैं। मेरा अपना मानना है और सट्टा बाजार में भी वो चल रहा है, इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही। मोदी सरकार नहीं बन रही है, केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, आम आदमी पार्टी उस सरकार का हिस्सा होगी, दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाएंगे, दिल्ली का एलजी लोगों का एलजी होगा, दिल्ली का एलजी दिल्ली वालों का एलजी होगा, गुजरात से आया हुआ अभी, दिल्ली के लोगों का एलजी होगा, दिल्ली के लोगों का विकास होगा। एक और पॉइंट है, जब मैं जेल के अंदर था तो कुछ लोगों ने यह मुद्दा उठाया, केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा क्यों नहीं देता। दोस्तों केजरीवाल को कभी किसी पद का लालच नहीं हुआ, मैं आप मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ये सब बनने नहीं आया, इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था, कमिश्नर की नौकरी छोड़ के दिल्ली की झुग्गियों के अंदर 1 नी 2 नी 3 नी 10 साल तक मैंने दिल्ली की झुग्गियों के अंदर काम किया है, सुंदर नगरी और नंद नगर की झुग्गियों के अंदर, इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ के। जब मेरे को दिल्ली की जनता ने पहली बार सीएम बनाया, असूलों के ऊपर 49 दिन के अंदर सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, एक चपरासी की नौकरी कोई नहीं छोड़ता, सीएम बनने के लिए लोग अपना दायां हाथ कटाने के लिए तैयार होते हैं, मैंने खुद से अपने आप सीएम की कुर्सी को लात मार दी थी 49 दिन के अंदर। मेरे लिए सीएम पद इंपॉर्टेंट नहीं है, आज मैंने सीएम पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया जेल जाने के बाद। दोस्तों पिछले 75 साल में भारतवर्ष में इतने राज्यों के चुनाव हुए, इतने राज्यों के चुनाव हुए, दिल्ली के अंदर सबसे ऐतिहासिक बहुमत से आम आदमी पार्टी जीती, 55-56% वोट, एक बार 67 सीट, एक बार 62 सीट, इतने भारी बहुमत से आज तक कोई राज्य की सरकार 75 साल में नहीं जीती। इतने भारी बहुमत से जीतने के बावजूद झूठा केस, अब उनको पता है वो हमें हरा नहीं सकते दिल्ली के अंदर,
उन्हें पता है अगले 20 साल तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कोई नहीं हरा सकता, तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, राजनीतिक षड्यंत्र रचा, केजरीवाल को झूठे केस में जेल भेज दो, केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा, केजरीवाल की सरकार गिर जाएगी। उन्होंने ये षड्यंत्र रचा, मैंने कहा मैं भी इस्तीफा नहीं दूंगा। तुम अगर जनतंत्र को जेल में कैद करोगे तो जनतंत्र जेल से चला के दिखाएंगे दोस्तों, सरकार भी जेल से चला के दिखाएंगे, कतई इस्तीफा तुम्हारे ट्रैप में फंसने वाले नहीं हम। ये अगर हेमंत सोरेन साहब को भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, जेल से सरकार चलानी चाहिए। अगर हमने इस्तीफा दे दिया ये तो बड़ा अच्छा इनके लिए, जिस राज्य के अंदर ये चुनाव हारेंगे उसके मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दो, सरकार गिरा दो, उसके मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दो सरकार। आज मैं अगर दिल्ली की जेल के अंदर रह के दिल्ली की जेल से इस्तीफा नहीं दे रहा, वो इस तानाशाही के खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं, इसको समझ लेना। केजरीवाल को किसी पद का लालच नहीं है, सीएम तो 100 CM की कुर्सी देश के नाम कुर्बान है। मुझे पता चला मेरे जेल जाने से बहुत लोग भावुक हुए, खासकर मेरी माँ बहनें महिलाएं बहुत रोईं, कईयों ने बहुत मन्नतें मांगी। मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन लोगों ने अपनी दुआएं, करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपनी दुआएं भेजी हैं, पूरी दुनिया भर से करोड़ों लोगों ने दुआएं भेजी, उन्हीं के आशीर्वाद का कमाल है कि आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ। आप लोग सब लोग सुखी रहें, देश खूब तरक्की करे, फले फूले, आप सब लोग खूब खुश रहे, ऐसी मेरी प्रभु से इच्छा है। भारत माता की। तो ये था अरविंद केजरीवाल का भाषण। अब अगले कई भाषणों में देखिए कि किस तरह से वो बीजेपी को दिल्ली में और पंजाब में घेरते हैं। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। क्या केजरीवाल इस बार जेल से बाहर आकर दिल्ली में बीजेपी को उन सभी 7 सीटों से बेदखल कर देंगे और इंडिया गठबंधन को जीत दिलाएंगे? उम्मीद जरूर होगी यहां के उम्मीदवारों की कि केजरीवाल अब आ गए हैं तो शायद बेड़ा पार लगा देंगे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।